जैसा बताया कि एक फिल्म और आपकी शुरुआत हो गई, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश जायसवाल है और आप सभी के प्यार से मुझे और एक अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को एक्सप्रेस करने की, तो मैं बहुत खुश हूँ मैं। और ये मेरा दावा है कि मैं इस मूवी में उससे भी अच्छा प्रदर्शन करूँगा और आप सबको बहुत एंटरटेन करूँगा। पहली फिल्म में आम्रपाली दुबे जी के साथ आपने इश्क लाए, रोमांस किए, गाने गाए, और अब दूसरी फिल्म में कौन सी हीरोइन के साथ नजर आएंगे? दूसरी फिल्म में हम काजल अगवानी जी मैम के साथ नजर आएंगे आप सबको। उनकी आपकी क्या क्या केमिस्ट्री पर्दे दिखने वाली है? देखिए, मेरे कैरेक्टर को लेके सब यही पूछते हैं कि सर आपको कौन सा कैरेक्टर करना पसंद है, तो जैसे कि मेरा पर्सनैलिटी है तो लगता है मुझे चुलबुल कैरेक्टर करना पसंद है, जो काफ़ी मस्तीखोर लड़का होता है, गांव का एक भोला सा लड़का होता है जो काफ़ी मस्तीखोर होता है। सो इसमें भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। क्या किरदार की बात करें तो क्या रोल प्ले कर रहे हैं? किरदार की बात करेंगे तो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। मैं बताऊंगा नहीं आपको सारी चीज़ें, पर इतना बताऊंगा कि बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा हूँ इस मूवी में। मतलब एक बोलते हैं भारत का लड़का जो काफ़ी सारी जिम्मेदारी उठा रहा है अपने कंधे के ऊपर, तो मैं वो रोल प्ले कर रहा हूँ। इसमें आपकी अमानत कौन है? हाँ, मेरी अमानत तो ऐसा देखा जाए तो पूरा हिंदुस्तान मेरा अमानत है इस मूवी में। आपका लुक काफ़ी डिसेंट लग रहा है, जैसे कि एकदम अलग लुक है, तो क्या यही लुक फिल्म में नजर आएगा या दूसरा? हाँ जी, पहले मूवी में तो मैंने लुक थोड़ा मुंबई की तरह रखा था, पर इस मूवी में मुझे सजेशन आया कि आप सर अपने आप को भोजपुरी की तरह रखिए, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री की तरह अपने आप को बनाइए, तो मैंने सोचा है कि आप मैं सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। पिछली फिल्म में आप भोजपुरी सीख रहे थे, कितना सीख लिए भोजपुरी? अब हमारा के थोड़ा को बोलल के आइल बा, तैयारी होता ना? और हाँ, तैयारी बहुत जोरदार से चालू है। भोजपुरिया दर्शक है, जो भी भोजपुरिया दर्शक है, भोजपुरी भाषा को समझने सुनने वाले लोग हैं, उसको भोजपुरी में कैसे संतुष्ट करवा कर दो शब्द में कहल जा, कुछ बोल के सबको बता देता हूँ। हमारा नाम मुकेश है, हम खूब मेहनत करल बाड़ा ताकि तू लोग को एंटरटेन करो, और ही हमारा दावा बाकी हम तू लोग को कबो निराश ना करी। धमाल करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। टिकटॉक में आप मिलियन स्टार थे, मिलियन व्यूज आते थे, एक बड़े स्टार थे, टिकटॉक बंद हुआ, तो अब किस प्लेटफॉर्म पे आप फिर वापस अपना स्टारडम कायम किए? सर, जैसे टिकटॉक बैंड हुआ तो फिर मुझे एक दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिनका नेम MX टकाटक, तो वहाँ पे मेरे आप सबके प्यार से 4 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं वहाँ पे भी जी, तो वहाँ पे अभी मेरा चालू है, मींस प्रोग्रेस हो रहा है। आपके जो पुराने फैंस थे, जो आपके पुराने फ्रेंड थे, वो सब जुड़े हुए हैं? हाँ, सारे जुड़े हुए, जितने लोग वहाँ थे उतने ही सारे आई गेस यहाँ पे आ रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे धीरे धीरे 10 मिलियन वापस हो जाएंगे टकाटक पे। जो आपके साथ वहाँ वीडियो बनाती थी, वो लोग इसमें बना रही है कि नहीं? बना रहे कुछ है, कुछ छूट चुके हैं, पर बोलते हैं ना अपने अपने होते तो अपने जो है अभी तक हमारे साथ ही है। फसलने कितने अपने साथ हैं? वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा सर, है थोड़े बहुत है, आपको पता चल जाएगा। चैटिंग वेटिंग होती है प्राइवेट। चेंज द टॉपिक। फिल्म के बारे में क्या बताएंगे? अमानत में कैसा करेक्टर है आपका, और क्या चैलेंजिंग रोल है ताकि अलग अंदाज में आप दिख रहे हैं? पिछली बार आम्रपाली दुबे बड़ा नाम है, इस बार काजल लगवानी, तो इस बार क्या तैयारी है? काजल लगवानी के साथ कैसे रोमांस फरमाएंगे मुकेश जैसा? पिछले बार से थोड़ा नर्वस था क्योंकि डायरेक्टली मुझे ऐसा रोल मिल गया था जहाँ पे मुझे थोड़े मतलब कुछ सीन्स करने थे जिसके लिए मैं काफ़ी घबराया हुआ था, पर इस बार मैंने सारी प्लानिंग प्रिपरेशन करके आई और थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप है मेरे में, और इस बार मैं खुद में काफ़ी मतलब मैं कर पाऊँगा अच्छे से, क्योंकि पिछले बार काफ़ी अच्छे मुझे कमेंट्स आए थे कि आपने बहुत अच्छा किया है, परफॉर्मेंस अच्छा किया है, और आपको मूवी देखना आप सबको पता चल जाएगा। और इस मूवी के किरदार के में अगर हम बोलने चाहेंगे तो काफ़ी एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, गाँव का सीधा साधा, घर से एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है, और अपने दोस्तों को वो देश के प्रति मीन्स मोटिवेट करने की कोशिश करता है, तो उसका यही होगा पूरी मूवी है कि देश के लिए सभी को मोटिवेट करेगा, अच्छे काम करेगा, कुछ गलतियां होगी जिसको सुधारने की पूरी कोशिश करेगा, और वो गलती आपको मूवी में देखने को मिलेगी। भोजपुरी फिल्मों की लगातार शूटिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, और नए स्टार नए नए कलाकारों के साथ लॉन्च होते हैं, और आप भोजपुरी के बड़े स्टारों के साथ काम कर रहे हैं शुरुआत, और भोजपुरी फिल्मों में कहा जाता है कि जोड़ियों का बड़ा क्रेज है, मुकेश जायसवाल किसको अपना जोड़ीदार बनाएंगे? हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने मुझसे। सर देखिए, फिलहाल मैंने अभी सिर्फ 2 मैम के साथ काम किया, एक निधि मैम है और एक अम्रपाली मैम के साथ काम किया है। तीसरी मैम भी
अब हाँ तीसरी मैम आ रही है, तो देखते हैं जैसे जैसे मूवी रिलीज होगी लोगों से पता चलेगा कि उनको मुझे किसके साथ देखना पसंद है, तो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे उनके साथ जुड़े रहें और उनके साथ मूवी बने और आप सबको ढेर सारे अच्छे अच्छे रोमांटिक फिल्म। आपको किन के साथ काम करना पसंद है? अगर लास्ट दो मूवी से देखेंगे तो मुझे अमरपाली मैम के साथ अच्छा बॉन्ड था, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाई है जो कि मैं अभी आने वाली मूवी में उसे बरकरार रखूंगा और शायद वो भी खुश होंगे मुझे देख के। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आप कितना समझ पाए हैं, ताकि आप एक अदर इंडस्ट्री से आए, आप भोजपुरी बोलना सीख रहे हैं? सर कितना समझ पाए? बिल्कुल सच कहूँगा कि जब गोरखपुर से जब मैं मुंबई गया तो मैंने सबसे पहले चीज़ें स्टार्ट की कि मैंने सारे जो भोजपुरी के स्टार्स हैं उनकी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया मैंने, और सच में कहूँगा कि इतने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है ना भोजपुरी इंडस्ट्री के, इतनी प्यारी प्यारी मूवी है, बस एक किक देने की ज़रूरत है सर, हम भोजपुरी इंडस्ट्री को कोई भी नहीं रोक सकता, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वो लड़का बनूँ जिसने चेंज लाया भोजपुरी इंडस्ट्री में। हाँ लाना है और मेरा वादा है, एक डेढ़ साल में भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़ा बात विवाद। लोटा भैया आपको ढेर सारी शुभकामना, नई फिल्म के शूटिंग आज कर रहे हैं, बताना चाहेंगे कौन सी फिल्म की शूटिंग है? धन्यवाद। अमानत की शूटिंग कर रहा हूं मैं महाराजगंज ज़िले में जो गोरखपुर के पास है, और इसके प्रोड्यूसर हैं बीबी जायसवाल जी और डायरेक्टर हैं संजय श्रीवास्तव जी, इसमें हीरो जयस यादव हैं, काजल राघवानी हीरोइन है, ऋचा दीक्षित है, और एक मेरा छोटा भाई आ रहा है न्यू अपकमिंग स्टार जिनका नाम है मुकेश जायसवाल, जो कि टिकटॉक फेमस स्टार है, टकाटक स्टार है, मतलब बहुत अच्छा नेचर का भाई है, और बहुत ही अच्छी फिल्म बन रही, पारिवारिक फिल्म है। इसमें मैं हूँ, रितु पांडे हैं और सोनिया मिश्रा हैं, संजय भैया संजय पांडे जी हैं, बहुत मल्टी स्टारर फिल्म बन रही है जी। क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें आप? मैं इसमें एक जंगी लाल का करेक्टर निभा रहा हूं जो कि बॉम्बे से आता है, अतरंगी टाइप का है, और जय भाई के घर में नौकर, मतलब जय भाई घर में घुस के कलाकारी करता है, काल हाँ कांड करता है, वही जंगी लाल जो है अतरंगी टाइप का, उसके साथ एक जो है सतरंगी आई है उसी के साथ पूरा नाटक चल रहा है, वो रितु पांडे हैं। हाँ हम तो कलरफुल वाले ही इंसान हैं। होली का सीज़न तो आ गया है, हम तो चाहेंगे कि हमारे जितने भाई लोग होली खेलें वो कीचड़ से और कलर पेंट से ना खेलें, अबीर से खेलें, गुलाल से खेलें और प्यार का होली खेलें, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई होली की। आपकी और कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? आने वाली तो इस साल अभी जो शूट हुआ है वही आएंगी, आई मिलन की राज दिनेश लाल यादव के साथ, पवन जी के साथ मेरा भारत महान, राकेश मिश्रा के साथ हवारापन, और प्रिंस सिंह राजपूत के साथ आ रही है शादी के चक्कर में हम यार हैं तुम्हारे गोरखपुर में हुआ था, और जनता दरबार परवाज और जो जहां पर हूं ये भी इसी साल आ जाएगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि जैसे सभी फिल्मों में मुझे आशीर्वाद प्यार दिए हैं, इस फिल्म को भी प्यार आशीर्वाद दें, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारी पूरी टीम को ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते फिल्म के डायरेक्टर संजय श्रीवास्तव की बात की जाए, क्या कहना चाहिए? संजय भैया वाकई में बहुत ही प्यारे मतलब इंसान हैं, और डायरेक्टर तो नो डाउट माशाल्लाह हैं। उनके साथ मैंने एक फिल्म किया था फर्ज, रितेश पांडे और मणि भट्टाचार्य थी, तब से मतलब वो दिल को जीत लिए हैं, उनके जो डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत ही प्यारा है, पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहे हैं, कब सीन ले लेते हैं कब टेक कर लेते हैं, ये मतलब अच्छा लगता है उनके साथ काम करके, उनके डायरेक्शन में मज़ा आता है, मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है जी जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भैया। भैया एक और धमाका, जैसे अभी रिसेंटली एक फिल्म की आपने शूटिंग खत्म की, दूसरी फिल्म की वापस आपने शुरू किया है बस्ती में, कि बस्ती के बाद अब महाराजगंज में, और इस फिल्म का नाम है अमानत, तो क्या कहना चाहेंगे अमानत किस तरह से बनने वाली है? अमानत सबसे पहले तो रामचंद्र जी सारा प्रश्न कर रहे हैं, बार बार प्रश्न करते हैं, और सबसे पहले यार जब रिपोर्टर लोग प्रश्न करते हैं ना तो मुझे बड़ा डर लगता है, पता नहीं कब क्या पूछ लेंगे, फिर भी रामचंद्र के सारे चैनलों के लिए सारे श्रोतागढ़ को मेरा नमस्कार, और मौका मिला बहुत दिनों बाद रामचंद्र जी से मौका मिला मिलने के लिए छोटे भाई से, अभी कुछ
पीछे की फिल्मों का है जो हमने किया है वो बड़े अच्छे अच्छे टाइटल थे, कितने दूर कितने पास, रक्तचरित्र, मैंने दिल तुझको दिया, और सडनली आज मैं जिस फिल्म का शूटिंग कर रहा हूँ उस फिल्म का टाइटल है अमानत। अमानत के बारे में सिर्फ यही कहूँगा कि जितने भी लोग इस फिल्म से जुड़े हुए हैं सबकी सोच बड़ी है, कुछ नया करने की कोशिश है, जिसमें जय यादव जी हैं, महेश उपाध्याय जी हैं, इवन काजल राघवानी जी हैं, सब ने अपनी अपनी सोच को इसमें मिक्स किया है और मुझे लगता है एक बेहतरीन सिनेमा बनने वाली है और सब अपनी मेहनत अपनी कोशिशों में बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं या कह लीजिए दे ही रहे हैं। सुबह 7 बजे सब रेडी होते हैं, 9 बजे शूटिंग ऑन होता है, सब मेहनत कर रहे हैं और आप लोगों को एक पारिवारिक सिनेमा देखने को मिलेगी, रिश्तों पर आधारित सिनेमा देखने को मिलेगी। एक अगर कहें तो अमानत, हर आदमी एक दूसरे की अमानत को इस फिल्म में संभाल के रखता है और समय आने पर उसकी अमानत को लौटा दे रहा है। इसमें स्टार कास्ट कौन कौन नजर आ रहा है? इसमें स्टार कास्ट जय यादव जी हैं, मुकेश जायसवाल जी हैं, काजल राघवानी जी, ऋचा दीक्षित जी, संजय पांडे जी, रितु पांडे जी, लोटा तिवारी जी हैं, बबलू खान जी हैं, ऐसे बहुत सारे कलाकार आपको देखने के मिलेंगे, मतलब मार्केट वाले जो अपने आप में एक बेहतरीन हैं और जो नए कलाकार हैं जो बेहतरीन के लिए कोशिश कर रहे हैं, दोनों का एक मिलाप जो होगा बहुत अच्छा होने वाला है। बीबी जायसवाल जी की बात की जाए, उनका प्रोडक्शन हाउस है, बैठ बैठ फिल्में बना रहे हैं, क्या चाहिए? इसके पहले बीबी जायसवाल जी ने सेम महाराजगंज में 2 फिल्में बनाई थी, मोहे रंगे समथिंग था और 7 छोटे ना साथियाँ। मैंने उसकी कुछ क्लिपिंग देखी थी, बहुत अच्छी सिनेमा बनाई उन्होंने, बहुत अच्छा मेकिंग किया है और वो रिलीज होने से पहले ही 2 सिनेमा और शुरू कर दिए हैं। अभी एक सिनेमा जो बन रही है अमानत, दूसरी सिनेमा का नाम है गुंडों की आएगी बारात। और बीबी जायसवाल जी को थैंक यू सो मच, जय यादव, महेश उपाध्याय जी को कि इस बार हमको मौका मिला है ये दोनों फिल्मों की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए। और उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि भोजपुरी में अच्छी सिनेमा बनती रहे और वो उनका कहना भी ये है कि मैं सिनेमा बनाना बंद नहीं करूँगा, बस आप लोग एक ऐसी सिनेमा बनाते रहिए कि जब मैं अपने परिवार के साथ बैठकर सिनेमा को देखूं तो मेरी नज़रें कभी झुके नहीं, बस आप लोग इतना बना दीजिएगा मैं समझूंगा मैं जंग जीत गया। जिस दिन नज़रें मेरी झुक गई उस दिन मैं बीबी जायसवाल प्रोडक्शन हाउस से कोई सिनेमा नहीं बनेगी। तो हम लोगों की भी कोशिश है कि ऐसी सिनेमा बनानी जाए और जो उनकी सोच है बीबी जायसवाल बड़े भैया की कि साफ़ सुथरी सिनेमा बने भोजपुरी के दर्शकों के लिए, उसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग बनाने के लिए। जैसे कि जो बीबी जायसवाल जी की सोच है जो आपके डायरेक्शन फिल्में बन रही हैं, तो इसे कहा जा सकता है कि आने वाले दिन में भोजपुरी सिनेमा का दशा और दिशा में काफ़ी बदलाव देखने को मिलेगा? दशा और दिशा दोनों बदलनी शुरू हो गई हैं और जब बीबी जायसवाल जी जैसे प्रोड्यूसर निर्माता इस क्षेत्र में आते हैं और अपनी सोच को व्यक्त करते हैं तो जाहिर सी बात है कि दशा और दिशा तो बदलनी ही पड़ेगी, और अगर दिशा दिशा नहीं बदलेगी तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि हमें भी तो कहीं ना कहीं लोगों को बताना है कि यार हम लोग एक ऐसी सिनेमा या ऐसे सिनेमा क्षेत्र से जुड़े हैं जिसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है लेकिन उस जनसंख्या को हम पकड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमने अपने आप को एक दायरे में सीमित कर दिया था कि हम ऐसी ही सिनेमा बनाएंगे, ऐसी ही सिनेमा चलेगी। अब पीछे की सिनेमा में देख लीजिए कि आज के 10 साल पहले सिनेमा जाइए तो हर सिनेमा में एक कॉमन चीज़ थी जिसका नाम था आइटम सॉन्ग, चेंज हुआ आइटम सॉन्ग बंद हो गया, फिर सिनेमा का दौर शुरू हुआ एक्शन, वो भी बंद हो गया। अब सिनेमा का जो दौर शुरू हुआ है वो है कहानी, गांव की कहानी, हमारे समाज से जुड़ी हुई कहानियों को सिनेमा बनाने के लिए। जब कोई भी दर्शक अपने आप को सिनेमा में देखेगा तो जुड़ेगा ही। अब कुछ चीज़ें बदल रही हैं, उसी में एक बदलाव को लेकर जो उतरे हैं उस प्रोडक्शन हाउस का नाम है बीबी जायसवाल प्रोडक्शन हाउस। आपकी जो सोच होती है, आप एक अच्छे लेखक भी हैं और एक अच्छा आपका विचार भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें इस सिनेमा में देखने को मिलेंगी? हाँ, इस सिनेमा को हमारे एक मित्र हैं सबा वर्मा जी और चंदन लिखते हैं और उनकी एक सिनेमा भी मैंने डायरेक्ट की है, बी फॉर यू की सिनेमा है दूल्हा अनसेल। आप लोग जब उस सिनेमा को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक बार तो कहेंगे वाह क्या सिनेमा बना है, टोटल कॉमेडी है,
साफ सुथरी लीजेंड कॉमेडी जिसको बोलते हैं, और उसमें हर कलाकार ने अपने आप को बेहतर करने की कोशिश की है। यह कहिए कि लोगों ने अपने आप को उतार दिया है दूल्हा सेल क्या होता है। तो मेरी जो सोच है वो ये है कि जो हम सोचते हैं उसको पर्दे तक ले आए, और बाकी तो हमारी जो जनता है जिसे कुछ लोग भगवान कहते हैं, मैं भगवान तो नहीं कह पाऊँगा क्योंकि भगवान और जनता को एक साथ मिला देने पर थोड़ा सा भगवान का अपमान होगा, लेकिन जो हमारी जनता है जिनके एक आशीर्वाद से हम लोगों की रोजी रोटी चलती है, जिनके एक प्यार से हम अपने पैरों पर खड़े होकर लड़ने की कोशिश करते हैं, वो जनता डिसाइड करेगी कि हमारी सोच कहाँ तक सफल हुई और हम कहाँ तक अपने आप में सफल हुए। अभी बिफोर यू की बात आई है, तो जब बिफोर यू ने प्रोडक्शन में कदम रखा, फिल्मों को एक अलग जोनर की फिल्में बनाने या खरीदने की बात किया, तो कह सकते हैं कि इस बदलाव में उन बिफोर यू की अहम भूमिका है? बिल्कुल अहम भूमिका है, और इस जो एक बयार उन्होंने बहाई है, उस बयार में जो लोग खड़े थे उनको हवा का झोंका लगा और अपने आप को उस हवा के झोंके को महसूस किया। और थैंक्स टू मिस्टर संदीप सिंह कि उन्होंने एक विज़न अपना क्लियर किया। वो विज़न ये क्लियर किया कि मैं सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए सिनेमा बनाऊंगा, मुझे कोई फालतू चीज़ नहीं चाहिए, और इस चीज़ में कहीं ना कहीं वो सफल हैं, लड़ रहे हैं, और उस लड़ाई में हम लोग भी उतर गए, हमारे जैसे कई निर्देशक उतर गए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक सिनेमा बनाने में अपने आप को लगा दिए हैं और बना भी रहे हैं। अच्छी अच्छी सिनेमा आ भी रही है, आने वाले समय में बहुत अच्छी सिनेमा आने वाली है, आप लोग देखिएगा। आपके डायरेक्शन में कौन कौन फिल्में आने वाली हैं? अभी रिसेंटली अगर बात करें जो बन के एकदम रेडी है, रेडी पोजिशन में है, उसका नाम है दूल्हा अंसल, बिफोर यू की सिनेमा है। उसके बाद आएगी कुणाल तिवारी काजल यादव सरल फिल्म रक्त चरित्र, मैंने दिल तुझको दिया। उसके बाद चौथी सिनेमा जो मेरी होगी वो कितने दूर कितने पास, अमृत सिंह स्टारर सिनेमा है। और पाँचवीं अभी मैं जो कर रहा हूँ अमानत है, जय यादव काजल रवानी ऋचा दीक्षित स्टारर फिल्म ये है। तो ऐसी सिनेमा है, फिर गुंडों की बारात है, एक और फिल्म है हमारा सैया धनवान बा, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमार सैया धनवान तो वाकई में धनवान है, उसमें स्टारर है राघव पांडे जी, पूनम दुबे जी, मनोज टाइगर जी। वो सिनेमा एक अलग जोन की सिनेमा है, उस सिनेमा में थोड़ा सा मसाला हो गया है, एक्शन भी है, रोमांस भी है और फैमिली ड्रामा भी है। अच्छी सिनेमा बनी है, जल्दी उसका ट्रेलर मार्केट में आने वाला, आप देख लोग देखेंगे तो बहुत खुशी मिलेगी आपको। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अमानत को लेकर? दर्शकों से कहना चाहूँगा कि मैं जो अमानत आप लोगों के पास भेज रहा हूँ इसको बहुत संभाल के रखिएगा, और अमानत के रूप में मुझे आप सब अपना प्यार दीजिएगा ताकि और हिम्मत बढ़े और मेहनत करने की कोशिश करूं, दिन हो या रात हो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत करूं, आप लोगों के लिए सिनेमा बनाऊं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।